अमेरिका एक साथ कई परेशानियों से जूझ रहा है। इन परेशानियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सिरदर्दी बढ़ा दी है, लेकिन तमाम परेशानियों के बीच अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर हिंसक प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इन प्रदर्शनों की आज व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस पर जमकर पत्थर बरसाए, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप को सुरक्षित बंकर में ले जाना पड़ा। हालांकि अब ट्रंप बंकर में नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका में गृह युद्ध का माहौल बन गया है। एहतियातन अमेरिकी सरकार ने वॉशिंगटन समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले की शुरुआत 26 मई को अमेरिका के मिनेपोलिस शहर से हुई। अमेरिका में क्यों हो रहे हिंसक प्रदर्शन? 26 मई को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में जॉर्ज फ्लॉयड को गिरफ्तार किया। एक पुलिस अधिकारी डेरिक शेविन ने सड़क पर फ्लॉयड की गर्दन को घुटने से करीब 8 मिनट तक दबाए रखा। फ्लॉयड ने इस दौरान अफसर से घुटने हटाने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उस पर रहम नहीं दिखाया। गर्दन पर दबाव पड़ने के कारण फ्लॉयड बेहोश हो गए। फ्लॉयड को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस हिरासत में मरने वाले जॉर्ज फ्लॉयड का वीडियो वायरल हो गया और गुस्साए लोगों ने पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अधिकारी डेरिक शेविक को गिरफ्तार कर उस पर थर्ड डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद फ्लॉयड की मौत को गंभीर त्रासदी माना, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और हंगामा किया। इस हिंसा के दौरान अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 60 कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं और लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर लोगों का गुस्सा कब शांत होता है, क्योंकि जब तक प्रदर्शन चलता रहेगा तब तक राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें थमने वाली नहीं है।